फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तब जहां एक तरफ इसकी खूब तारीफ की गई थी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस फिल्म को लेकर खूब बवाल किया था। और अब एक बार फिर से कश्मीर फाइल्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। ये बवाल एक बयान को लेकर हो रहा है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड नदव लेपिड ने दिया है। उन्होंने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया है जिसके बाद से लोग भड़के हुए हैं, लेकिन हमेशा की तरह ट्रोल होने वाली स्वरा भास्कर इस बात को सही कह रही है। गोवा के पणजी में IFFI इवेंट में इजरायली फिल्म मेकर ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। हर कोई इसको लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अलग ही राह पर निकल पड़ी हैं। वो इसे सही बता रही हैं, जिसके बाद ट्रोल भी वो खूब हो रही हैं। स्वरा भास्कर ने इजरायली फिल्म मेकर के बयान को पोस्ट करते हुए इसका समर्थन किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, जाहिर तौर पर ये दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट है। अब इस ट्वीट पर जनता स्वरा को ट्रोल कर रही है। जहां एक यूजर ने तंज कसते हुए है, जाहिर तौर पर यह दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट है कि आप वास्तव में एक अभिनेत्री नहीं हैं। दूसरे यूजर ने लिखा है, सच हमेशा सच होता है, तुम जैसे चुड़ैल औरत की सोच से झूठ नहीं बन जाता। क्या दिन आ गए तुम जैसे किसी के हिंदुओं के विरोध में रोज नया बाप बनाते हो। एक और यूजर ने लिखा, आंटी जी आपको 5 रुपए जीपे पर मिल गए होंगे, जाके भाई के घर पर नाच लेना टू सेलिब्रेट दिस। एक और यूजर ने लिखा, इसकी खुद की मूवीज तो चलती नहीं, दूसरों की ब्लॉकबस्टर ट्रुथ वाली फिल्म इन्हें बुरी लग रही है। बता दें IFFI इवेंट में इजरायली फिल्म मेकर नदव लेपिड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करते हुए कहा था, हम सब परेशान हैं, ये मूवी हमें एक प्रचार अश्लील फिल्म की तरह लगी। द कश्मीर फाइल्स इतने बड़े प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए उचित नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स को मंच पर खुले तौर पर शेयर करने में पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। ये एक जरूरी चर्चा है जो बिना झिझक होनी चाहिए, ये कला और जीवन के लिए जरूरी है। आपको बता दें इसका जवाब भी नदव लेपिड को हर तरफ से मिल रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली राजदूत ने भी लेपिड के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने इसे उनका निजी बयान बताया है। उन्होंने कहा है कि नदव के बयान पर हमें शर्म आती है। इसके अलावा एक्टर अनुपम खेर ने भी नदव लेपिड को करारा जवाब दिया है। हमने भी फिल्म कंप्लीट की है सिग्नेचर, उसके डायरेक्टर के साथ उनके डायरेक्टर के साथ यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं। बट कश्मीर फाइल्स के बारे में उनको, उन शख्स को मैं कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। और इतना ही कहना चाहूँगा, बिकॉज मंदिर के बाहर इस तरह की बात करना कोई फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रॉपर रिप्लाई टू इट, अगर होलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज़्यादा जानता नहीं ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमिजिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज मैं, बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस। और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है, लेकिन फ्रॉम अ कम्युनिटी हु हैव सफर्ड होलोकॉस्ट, जूस हैव सफर्ड होलोकॉस्ट, एंड ही कम्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी, एंड फॉर हिम टू सॉर्ट ऑफ मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस, ही हैज ऑल्सो पेंड दोज पीपल हु हैव, जो इस त्रासदी के शिकार हुए आज से बहुत साल पहले। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे गणपति जी सिद्धि विनायक के भगवान उनकी उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह लोगों के, हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा ना करें। ओके।